और स्पेन दुनिया के 129 ममालिक में से सयाहों के लिए महफूज तरीन मुल्क करार। आलमी मुसाबकती इंडेक्स में पाकिस्तान का 121वां नंबर, जबकि भारत को 34वां महफूज मुल्क करार देने पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को तनकीद का सामना है। इकोनॉमिक, आर्ट, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुतद्दिद शोबों की फहरिस्त मुरतब करने वाले इदारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना आलमी मुसाबकती इंडेक्स ने दुनिया भर में सयाहों के लिए बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त जारी की है। दी वर्ल्ड इंडेक्स के सालाना आदादोशुमार के मुताबिक फहरिस्त में स्पेन पहली पोजिशन हासिल करके बाजी ले गया। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान, पांचवें पर अमेरिका, छठे नंबर पर बरतानिया, सातवें पर ऑस्ट्रिया, आठवें नंबर पर इटली, नवें पर कनाडा और दसवें नंबर पर स्विट्जरलैंड सियाहों के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिए गए हैं। इंडेक्स की फहरिस्त में भारत 34वें नंबर पर सयाहों के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया गया। ताहम अफसोस की बात है कि 129 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 121वें नंबर पर मौजूद है, जबकि सबसे आखिर में 129वें नंबर पर नाइजीरिया को सयाहों के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। दुनिया भर में वर्ल्ड इंडेक्स की मुरतब करदा फहरिस्त पर तनकीद की जा रही है, जबकि इस रिपोर्ट पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत गंदगी, माहौलियाती आलूदगी, करप्शन, बदउनवानी, रैप और सबसे ज्यादा नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस तरह 34वें नंबर पर हो सकता है।